दरभंगा शहर के भंडार चौक पर बेरहमी से ईंट से पीट पीट कर हत्या करने के बाद आज लोगों का फूटा भयंकर आक्रोश। बीच सड़क पर लाश रखकर कर दिया चारों तरफ से सड़क जाम। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के भंडार चौक के पास की है, जहां कल देर शाम मोबाइल गुम होने के आरोप में दो भाइयों ने मिलकर अपने ही चचेरे भाई की हत्या कर दी थी। मामला था कि मामा जो था पहले गाड़ी थी महीना में गायब हो गया, तो गायब हो गया तो हमारा बेटा दूर घर के बाद 3 माह रात में हमारा बेटा सुखा नगम निगम के काम पर गया सुबह, हम अभी कायदा के मालिक खोलेंगे बाद में खोलेंगे। बेटा उठेगा छोरा आया और मोबाइल छोरा के ले गया, बोला कि रे हम हुआ दिल्ली मोड़ में सुबह दिल्ली मोड़ में, ओके बाद बोला घर में गया तो कारे भोसरी वाला हम थोड़ा मारा। कौन मारा है आपके लड़का को? कौन मारा? क्या नाम है उसका? क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है? औरत की गिरफ्तारी हुई है? इसी की गिरफ्तारी के लिए अभी आप लोग रोड पर जाम किए हुए हैं। पकड़ ली से अब पकड़ी सामने जो मरा है आपका कौन था? क्या नाम था? उमर पूरे घर में सील लगा चाहिए। शादी शुदा है। राजा जो हमेशा धमकी देता था कि जाओ मार दो, और वो मार दिया। लेकिन जो इलियास की बीवी है, नाम नहीं जानते उसका कि क्या नाम है, लेकिन वो चाची है, वो ही सबसे बड़ा झगड़ा का मुद्दा था। और उसका सारा सीसीटीवी रिपोर्ट और जो लड़का मोबाइल, क्या इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं है? अमीला खातून, अमीला खातून के द्वारा ही, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है जो पकड़ के गिराई है वो अभी तक अरेस्ट है। क्या नाम है उनका? कितने आदमी अरेस्ट हुए हैं इस? इसमें एक लाल भैया नाम, एक लाल बाबू नाम के है, एक नीलू नवाब है, एक बुटू पता नहीं क्या क्या नाम रखता है, 3 को, जिसमें एक अली राजा जो हमेशा धमकी देता था, कल नहीं था पॉइंट पर मैं आपको बोल दूं, लेकिन वो हर बार जय बार भी जाते थे तो मार करके सब कुछ। जैसा कि आपका कहना है कि मुख्य आरोपी इसमें इलियास की पत्नी है, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं की जा की गई है, और रास्ता अवरुद्ध करने का आपका डिमांड ये है कि मेन एक्यूजर को गिरफ्तार कर उसे भेज दिया जाए। अच्छा, और किसी मुआवजे का भी आपका कोई डिमांड है? सरकार के द्वारा मतलब आपने रास्ता को अवरुद्ध किया है, त्वरित कार्रवाई हेतु आपने अवरुद्ध किया है। हमसे कहते हैं कि वो कुछ मुआवजा दिलाए इनको और अविलंब को गिरफ्तार करे। दूसरी बात, ये ऐसे समाज में इन लोगों को हम लोग रखना नहीं चाहते हैं, इसको समाज से हटा जाए। अगर इसको समाज से हटाया नहीं जाएगा तो इसका विरोध हम लोग फिर करेंगे। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आज बस बता हम लोग चाह रहे हैं यहाँ क्लियर करे कि हमारे ये जो अभी भागे हुए फरारी हैं उनको अविलंब प्रशासन गिरफ्तार करे। आज भंडार चौक को आप लोग जाम किए हुए हैं? ये नगर निगम संविदाता नौकरी में करते थे, इनका हम लोग चाहते हैं कि इनको प्रशासन की तरफ से कुछ मुआवजा मिले। अभी आप लोग भंडार चौक पर लाश रख के जाम किए हुए हैं? कितने देर से जाम किए हैं? 2 मिनट हुआ। क्या मांग आपकी है? केवल वो जो उमिला खातून नाम की है, उमिला जो अभी नाम हमको पता चला, क्योंकि वो हम लोग पुरानी औरत है, नाम नहीं जानते थे, उमिला इलियास की पत्नी, उसके द्वारा ही लोगों को कहा कि आओ जल्दी से उसके ही घर के। हम लोग बार बार हाथ जोड़ के कह रहे थे कि भाभी हमारे पास सबूत है, आपका बाल बच्चा चोरी किया है, हम आपको कुछ न कुछ करके देंगे। लेकिन रिकॉर्डिंग भी आप हमसे सब आदमी जो रिकॉर्डिंग डालिए, रिकॉर्डिंग है उसका डाल दो, रिकॉर्डिंग पर फैसला होगा हम देखेंगे, सरकार से हम देख रहे हैं। तो किसी का गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले में? 2 लड़के और एक लाल भैया जो लाल बाबू है, हम भी सेंट्रल के हैं, क्योंकि वो ही घर पर लेकर के सबको आए थे मार करवाने के लिए। तीनों का नाम बताइए। एक लाल बाबू, एक नवाब उर्फ नीलू और एक गुड्डू है मोहम्मद, और एक उमिला खातून है, और एक राजा है जो हमेशा इन लोगों को सह दिया करता था अपने दोनों बेटा को कि जाओ मारो जो करना करो हम दो का देख लेंगे। 10 दिन पहले भी मोटरसाइकिल भी चोरी हुआ हमारा, उसके बाद मेरा मोबाइल भी चोरी हुआ, मोबाइल चोरी का हमारे पास उसके पास, वो घर में से चोरी करके ले गया, उसके पास मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है, उस लड़के का जो मेरे घर से मोबाइल चोरी कर गया, उसी दौरान उसको कहा कि बाबू चोर नहीं कर लियो वो कर लो, हमको कोई जरूरत नहीं, हम थाना जाएंगे, इतना ही कहना था कि वो हमारे भाई को। क्या किसी तरह कोई मुआवजा का मांग है आप लोग का? हम लोग चाहते हैं कि ये मृतक गरीब परिवार से है और